नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सही होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे आप अभी। दोस्तों, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं, कुछ अलग टॉपिक है आपका जिस पर ये वीडियो बनना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद रखते हैं हमसे। वो चाहते हैं कि जब कभी सर को याद करें तो उनसे बात हो जाए, जब कभी बुलाएं तो वो आ जाएं। थोड़ा सा क्या होता है कि जीवन में थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ जाती है, जब आपके जिम्मेवारी बढ़ जाएगी तो व्यस्तता होना ही है। और फिलहाल में आपको पता होगा, अभी आपका YouTube चैनल पर 40 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले भी हैं। एक अपना धुरीना एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी क्लास लेने होते हैं और मुखिया में भी हम जीते हैं आप लोगों का दुआ से और लोगों के सहयोग से। तो फिर अपने पंचायत के कार्यभार को भी देखना पड़ता है, तो इस तरह से व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा होती है। इस बीच में होता यह है कि बहुत सारे लोग, जैसे कोई कोचिंग संस्थान हो जाते हैं, कोई कॉलेज हो जाते हैं, कोई मॉल की ओपनिंग हो जाती है या कोई भी संस्थान जिसकी ओपनिंग होती है, तो फिर उसमें भी लोग हमें बुलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि लोग हमसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ इसलिए हो जाते हैं कि वो बुलाते हैं और हम ना पहुँच पाएँ किसी कारणवश, ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से। कभी कभी एक बार में दो तीन जगह प्रोग्राम होती है, फिर अपना क्लास भी लेना होता है, तो इन सब स्थितियों में हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, पर इसके लिए मैंने कुछ तरीका निकाला है, कुछ उपाय निकाला है इसका। देखिए, होता क्या है कि ऐसे एकाएक कोई आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आपको कल फलाने जगह आना है, सर दो दिन बाद आपको फलाने जगह आना है या चार दिन बाद फलाने जगह आना है, हमारे यहाँ आपको एकदम आना ही आना है। और उस दिन होता है कि कोई और काम हमारे पास रहता है, तो इसके वजह से मैं उन्हें मना कर देता हूँ, तो हो सकता है वो हमसे थोड़ा सा निराश होकर हमारे पास से लौट के जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और उन सब को मैनेज करने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो एक काम करिए, जब कभी आप मुझे बुलाते हैं, कभी भी कोई फंक्शन है या कोई किसी चीज़ का ओपनिंग है, कोई संस्थान का या आपका कोई बिजनेस हो या कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी जगह अगर आप मुझे बुलाते हैं तो पहले से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और इन्फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन भी आप ले लीजिए। मतलब कि इधर से जब आपको कन्फर्म कर दिया जाए, पहले से ये पता होना चाहिए। और एकाएक कोई लोग घर पे आते हैं और घर से जब निराश होकर जाते हैं तो मुझे दुख होता है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। एक इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैनेजमेंट का एक नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं अतिथि के रूप में तो यहाँ पर एक नंबर शो करेगा, इस नंबर पर ही कॉल करिएगा। अच्छा, ये नंबर कोई कोर्स खरीदने के लिए ये नंबर नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि धुरीना पर कोर्स कर रहे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है या उनको कोर्स करना है, तो सब लोग इस नंबर पर कॉल करने लगेंगे, तो इनको यहाँ से जवाब नहीं मिल पाएगा। दोनों टीमें अलग अलग है, तो ये जो मैनेजमेंट टीम है, जो मैं कोई फंक्शन में जाता हूँ तो उसके लिए मैनेजमेंट करती है, तो उनका नंबर ये यहाँ पर अभी शो कर रहा है। पर अगर आपको, अगर इसमें ये इस पर करिएगा तो उसकी जानकारी, सिर्फ मैनेजमेंट की जानकारी, ये मैनेजमेंट वही जानकारी दे पाएंगे जहां मुझे जाना है या कहां कोई प्रोग्राम है या प्रोग्राम होने वाला है उसकी जानकारी। लेकिन अब मैं यहां एक और नंबर दे दे रहा हूं, ये नंबर बहुत फेमस है, मिला लीजिए 79 70 35 27 39। ये नंबर हमेशा आपके लिए चालू रहता है। कभी काल अगर मान लो कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए फ़ोन ऑफ आ रहा है तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ये अभी जो नंबर दे रहे हैं 79 70 35 27 39, ये बिल्कुल मैथ के कोर्स के लिए है जो धुरीना एप्लीकेशन पर चलता है। उस कोर्स को कैसे खरीदना है देखना है, यानी कोर्स रिलेटेड जानकारी अगर आपको लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 79 70 35 27 39 वाले नंबर पर ही कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बंदा बैठा होता है इनको जानकारी होती है सारे कोर्स की। लेकिन वो पहले जो मैंने नंबर शो किया है, फिर से मैं ये नंबर दिखा दे रहा हूँ, ये जो नंबर आप अभी देख रहे हैं, इस नंबर पर आप मुझे कहीं इनवाइट करने के लिए इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और कन्फर्म हो सकते हैं और तब मुझे आप बुला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।